तो गाइस इस वीडियो में बात करेंगे कि भाई ब्लड लाइन क्या पूरी तरीके से टूट चुकी है कि नहीं टूटी है, क्योंकि जो जिमी उसो ने किया है हमारे रोमन रेंस के साथ उसके बाद तो आपको यही कह रहे हैं कि भाई ब्लड लाइन टूट चुकी है। पर भाई इस वीडियो में थोड़ा सा ट्विस्ट है, आपको वीडियो एंड तक जरूर देखना, आपको पता चल जाएगा वो क्या ट्विस्ट है। तो गाइस बात स्टार्ट करते हैं हमारे जे उसो से। गाइस जे उसो से चाहते थे कि भाई रोमन रेंस की हेल्प करना, पर भाई हमारे जिमी उसो ने अटैक कर दिया और जिमी उसो ने इतनी खतरनाक तरीके से मैनिपुलेट किया कि जिमी उसो ने उन्हें ले ही गए, उसके बाद हमारे रोमन रेंस हार गए। भाई ये रोमन रेंस हारने के बाद जो जे उसो है ना, गाइस जे उसो को तो भाई अभी भी एकदम दोनों तरफ 50-50 चल रहा है, क्योंकि जे उसो चाहते हैं कि भाई ब्लड लाइन से हम अलग नहीं हो सकते, क्योंकि जो भी फेम वगैरह जब भी अभी तक जो भी उनको मतलब टाइटल अपॉर्चुनिटी मिली है सिर्फ ब्लड लाइन के होने की वजह से मिली, नहीं तो गाइस उन्हें कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा, ये वो जानते हैं गाइस, क्योंकि ब्लड लाइन ही उनका मतलब जो रोमन रेंस का जो फेम है ना वो ही उनको अभी तक लेके चल रहा है, क्योंकि गाइस इन दोनों की पॉपुलैरिटी है ना बिल्कुल स्काई रॉकेट हाई पर है। आपको पता ही होगा कि भाई किस तरीके से इन दोनों की पॉपुलैरिटी चल रही है, जे उसो और जिमी उसो की, और जिसके बाद से रोमन रेंस को उन्हें अटैक कराया गाइस, ये स्टोरी लाइन है ना ब्लड लाइन की वो लंबी खींचने वाली। पर कभी गाइस ये कभी रोमन रेंस से अलग होते थे, जे उसो को पता है कि मेरा जो फेम वगैरह सब जाने वाला है, और भाई हमारे जिमी उसो भाई क्या उनका दिमाग थोड़ा सटक चुका, क्योंकि वो उनको लगता है भाई टाइटल अपॉर्चुनिटी सब है, पर हमारे जे उसो भाई बिल्कुल दिमाग से चलते हैं। हाँ गाइस जे उसो बिल्कुल दिमाग से चल रहा है, जे उसो सोच रहा है तो भाई रोमन से अलग हो गए ना तो उसके बाद भाई बहुत ज़्यादा अखरने वाली है। और गाइस उसके अलावा फिर हमारे सोलो सिको भी उनके खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि वो भी सोलो सिको भी अपना फायदा देख रहा है कि भाई वो ट्राइबल चीफ के साथ रहेंगे तो ही उनका मतलब जो फैमिली बिजनेस है वो आगे बढ़ेगा। तो गाइस जो चल रहा है ना बीच में, भाई जे उसो पूरी कोशिश करने वाले हैं आपकी भाई अपनी ट्वेल्थ लाइन बच जाए। बट गाइस रोमन रेंस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है उसो ब्रदर से, क्योंकि उनकी वजह से वो अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स नहीं जीत पाए, और उसकी वजह से उनका एक और बड़ा जो अकम्प्लिशमेंट जो होने वाला था वो नहीं हो पाया, और भाई रोमन रेंस के ऊपर अटैक कर दिया, ये तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की काम कर दिया। और गाइस उसो ब्रदर को देख के हमारे ट्राइबल चीफ का इतना गुस्सा अग्राम पार होने वाला है ना गाइस, इस बार की जो स्मैकडाउन होने वाली है भाई गजब की बवाल होने वाली है, और कभी इस स्मैकडाउन में उसो ब्रदर और रोमन रेंस एक रिंग के अंदर आ गए ना गाइस, रोमन रेंस बिल्कुल फोड़ डालने वाले हैं। पर गाइस ये खास बात ये है कि भाई सोलो सिको किस तरफ रहेंगे, क्योंकि उनके दोनों सगे भाई एक तरफ हैं और एक तरफ उनके कज़न ब्रदर और भाई हमारे ट्राइबल चीफ हैं जिनकी वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, आपको पता ही है क्योंकि उनके साथ ही उनका पूरा फैमिली बिजनेस जुड़ा हुआ है, इस वजह से वो जानते हैं कि रोमन रेंस के साथ रहना ही सबसे बड़ा फ़ायदा है उनके फ्यूचर के लिए। तो गाइस अब देखना यही होगा कि भाई कौन पहले किसके ऊपर हावी होता है, क्योंकि हमारे ट्राइबल चिप तो भाई काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, और ट्राइबल चिप को जब गुस्सा आता है ना तो भाई सेमी जेन के साथ क्या हुआ था आपको पता ही है, जिस जिसके ऊपर रोमन रेंस को गुस्सा आता है ना गाइस वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, ये तो क्लियर है। आपको ब्लड लाइन की कल की वीडियो नहीं देखी हो तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको जरूर देखना, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।